जो आप लोगों ने भी अच्छे ढंग से। नेक्स्ट देखिए बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो हमने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है, हार्ड कॉपीज भी आप फोन करके कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए बेटा पीडीएफ भेजा हुआ है पावरफुल असाइनमेंट के नाम से, आप देखेंगे पावरफुल असाइनमेंट। इस नाम से आपको एक पीडीएफ हमने भेजा हुआ है, उसके अंदर 73 क्वेश्चन थे, तो इसमें ऑड नंबर कर देना अगर पूरे नहीं हो पा रहे कहें तो, या जो आपको लगे कि मुश्किल है वो। अब देखिए उसकी है फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 22, ड्रा ग्राफिकल सॉल्यूशन। वन से 22 तक हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। इसने ये नहीं लिखा ऑन नंबर लाइन, ये नहीं लिखा, तो हम इसको मान के चलेंगे इन टू डिमेंशनल के अंदर मान के चलेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका ड्रा करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें ड्रा करना है ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 का, यानी वो सभी पॉइंट जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 3 से ग्रेटर है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें ड्रा करना है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं, जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 3 से ग्रेटर है, तो ये क्वेश्चन तो हम काफी कर चुके हैं बेटा। तो सॉल्यूशन, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा वाली बात थी नहीं। स्टेप वन, तो पहले एक्स इक्वल टू 3 को ड्रा करेंगे लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, चाहे आपको ट्राई करने के लिए दे देते ही ये वाला क्वेश्चन तब भी हो जाता है। स्टेप टू, फिर चेक करेंगे 0 0 को, तो ग्राफ पेपर पर एक्स इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। लेकिन इसको लाइन ले लेंगे, कंटिन्यूस नहीं डिसकंटिन्यूस लाइन ले लेंगे, ब्रेक लाइन ले लेंगे, तो इसमें इक्वल का साइन नहीं है। 0 0 इसके ऊपर अपना स्केल रखेंगे हम, 0 0 इसके लेफ्ट में, लेफ्ट राइट इसमें मैटर करता है, तो 0 0 को चेक करेंगे एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए। तो चेक कैसे करें, एक्स को 0 y 0, तो जो ग्रेटर देन 3 तो ये फॉल्स है, तो रीजन लेफ्ट वाला नहीं है, रीजन इज राइट टू द लाइन,
9 डेज में तो ये वाला होगा। वैसे भी आपको बाय 10th क्लास भी बता दिया गया था भैया, हम आते ही आपसे पूछे हैं वो पॉइंट बताओ जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा है, तो आप कहते हैं 1, 2, 3 बोले जी साइड में ले लेना, बस उन सबके एक्स कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा। तो ये डिस्कस पहले भी हो चुका, इसमें कोई नया नहीं था ये, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया हमने, तो फर्स्ट 13 क्वेश्चन ऐसे ही है, क्वेश्चन 1 to 13 तो ऐसे ही है, उसमें से ना भी करें तो अगर आपने एनसीईआरटी किया तब भी ठीक है, उसके अंदर कोई नया नहीं है। 14th अलग है, वो देखिए बेटा 14, उसके लिए रिजल्ट देखिए, उसके लिए रिजल्ट बता रहे हैं आपको। देखिए बेटा 14 कब कर रहे हैं बेटा इसको, देखिए बेटा साइंस में भी यूज करेंगे, मोड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, एक ही बात, मोड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, इसको हम डिनोट करते हैं मोड ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, लेंथ भी कह देते हैं कई बार। तो इसका क्या आंसर आता है बेटा, इसका आंसर केवल पॉजिटिव एक्स ही आ जाता है, केवल पॉजिटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल मॉडुलस 2 कहें तो इसका आंसर भी, इसकी वेटेज क्या है 2 रिगार्डलेस द साइन, साइन को छोड़कर -2 की वेटेज क्या है 2, तो मॉडुलस का मतलब ओनली वेटेज, ओनली मैग्नीट्यूड, साइन मैटर नहीं करेगा, तो मोड 2, मोड -2 वो 2 के ही इक्वल है। खैर ये पता भी होगा आपको, ठीक है, मोड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, लेंथ। नेक्स्ट देखें, अगर हम आपको ये कहें वो नंबर बताओ, इसको सोल्व, सोल्व का तो लैक्स निकालो, वो नंबर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड लें तो वो 2 आंसर आ जाए, वो नंबर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड लें, मोड लें, मॉडुलस लें तो आपका आंसर 2 आए। तो बेटा एक्स का क्या आंसर हो सकता है, कितने आंसर हो सकते हैं, एक ही आंसर होगा या कोई आंसर ना हो, तो इसके 2 आंसर होते हैं, 2 का मॉडुलस भी 2 है और -2 का मॉडुलस भी 2 है। क्वेश्चन ही होता है वो नंबर बताओ जिसका मॉडुलस -2 है, नो सॉल्यूशन, मॉडुलस तो हमेशा होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका मॉडुलस -2। ये तो फॉर एग्जांपल, ये तो मॉडुलस को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, मोड का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड में कोई डाउट सर? मोड कोई इंटीजर या कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है? यस बेटा, डाउट ही आ रहा है बेटा, मोड कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल का मतलब चाहे इरेशनल हो, ये कोई भी रियल हो, तो इसका आंसर आ गया √2। इनफैक्ट ये 1.4142 अप्रोक्सीमेटली है ना, ये एग्जैक्ट तो नहीं है, आंसर √2 है। और बेटे फिफ्थ चैप्टर जो मोस्ट प्रोबेबली परसों से स्टार्ट कर देंगे हम, फिफ्थ चैप्टर, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी बताएंगे हम, आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर का बताया जाएगा वो। सर तो इसके अंदर नेगेटिव है, तो -√2 है, तो माइनस को छोड़ दिया, √2 का क्या मतलब है 1.4142 अप्रोक्सीमेटली। सर तो उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वैसे तो ये आता कि अगर मोड एक्स जो है मान लीजिए √2 के इक्वल है, तो एक्स को सोल्व कीजिए, एक्स का आंसर बताओ, इसका आंसर आ जाता √2 और -√2।
अगर ये कहते हैं भी ऐसा नंबर बताओ जिसका मॉडुलस भी टूटे, तो मॉडुलस का क्या मतलब है? ओनली वेटेज, ओनली पॉजिटिव साइन लेना है वैसा में, ओनली पॉजिटिव है। तो सर उसका सॉल्यूशन हो सकता है नेगेटिव? नहीं, मोड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ओके सर, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर कुछ भी हो इस बॉक्स में, चाहे कुछ भी हो, वट एवर कुछ भी हो, 2+3 -√2+5 कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। स्टिक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। जीरो आ सकता है, नॉन नेगेटिव, जैसे मॉडुलस एक्स जीरो है तो एक्स आंसर जीरो हो गया, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। मॉडुलस के अंदर कोई भी फिगर हो वो हमेशा पॉजिटिव रहे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये तो इक्वलिटी का क्वेश्चन डील किया, इक्वलिटी के, हमारा सिलेबस तो इनइक्वलिटीज का है, वो रिजल्ट क्या है? तो जो पीडीएफ हमने भेजा हुआ है उसमें पावरफुल असाइनमेंट सॉल्यूशन के नाम से भी पीडीएफ है। एक पीडीएफ तो बेटा क्वेश्चन ऑफ पावरफुल असाइनमेंट, एक है सॉल्यूशन ऑफ पावरफुल असाइनमेंट, उसमें भी हमने ये रिजल्ट लिखा होगा। आप देखेंगे तो रिजल्ट ये लिखा मिलेगा आपको कि अगर हमें मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 को सोल्व करना है, सपोज अभी तो इक्वल टू 2 को कर देते हैं भाई, ऐसे सभी नंबर बताओ जिनका मैग्नीट्यूड लें तो उनका आंसर 2 से लेस आए या इक्वल आए। तो नेचुरल कई बच्चे तो ये सोचते बोले मोड हटा दे, बोले 2 से कम सभी नंबर आए, तो वो गलत है। 2 से कम तो -100 भी है, 2 से कम तो -100 भी है, लेकिन मोड लें तो 100 आ गया, वो 2 से कम थोड़ी है। तो ये -2 और 2 के बीच बदलाई करेगा, नंबर लाइन भी बना के देखते हैं। -2 और 2 के बीच पर अगर कोई नंबर होगा तो उसका मॉडुलस लेने पर आंसर 2 से कम या 2 के इक्वल आएगा। 2 से कम का मतलब ये नहीं है x 2 से कम है, -2 से भी कम नहीं हो सकता, -5 -6 होता तो मॉडुलस लेते तो 5 हो जाता। तो रिजल्ट ये, अगर मोड x लेस देन इक्वल टू a तो आंसर क्या होगा? a कोई रियल नंबर है तो आंसर होगा x इन बिटवीन -a to a या x बिलोंग्स टू -a to a या ग्राफ ड्रा करें तो -a से a तक होगा। ये आंसर होगा। तो बेटा इन बिटवीन तो लेस है, तो नेचुरल आउटसाइड क्या हो जाएगा? लेस नहीं होगा। इन बिटवीन लेस है तो आउटसाइड लेस नहीं है, यहीं पे है ना। तो अगर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता तो इन बिटवीन तो लेस देन माइनस और ए के बीच में लाई करता है, तो ये नॉट इन बिटवीन। तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 50% उसकी तैयारी आपकी होगी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर हाँ जी बेटा। सर क्योंकि इसका जो एक्स बिलोंग्स टू -a, a है, तो सर क्योंकि इसके अंदर माइनस क्या है इसीलिए एक्स इनके बिटवीन नहीं है। बेटा x belongs to -a to a का मतलब कि x की लोअर लिमिट को माइनस है, जैसे -2 और अपर लिमिट 2 है, तो -2 और 2 के इन बिटवीन जितने भी नंबर आएंगे, -1 है, 0 है, 0.1 है, 1.1 है, वो सब इनकी होंगे। अब इनके इन बिटवीन तो बेटा लेस है, तो आउटसाइड क्या होगा? ग्रेटर। नॉट इन बिटवीन का मतलब अगर ग्राफिकली हम देखें तो -a और a के बीच में नहीं है, तो कहां होगा? आउटसाइड। यानी हम क्या कह सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। और अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो कहां से कहां तक है? -∞ to -a यूनियन एंड a टू इन्फिनिटी। इन बिटवीन तो लेस है तो आउटसाइड क्या होगा? ग्रेट।
किससे ग्रेटर और लेस? बेटा किससे ग्रेटर और लेस? ए से, आउटसाइड ग्रेटर है, ये कंसेप्ट है। इन बिटवीन लेस माइनस ए टू ए और आउटसाइड ग्रेटर, आप सोच के भी देखिए बेटा, अभी बताते हैं आपको और डिस्कस करते हैं बेटा। इसको देखिए, अगर हम ये कहें, अभी एग्जांपल लिया था मोड एक्स लेस देन इक्वल टू टू है, तो ऐसा एक्स क्या क्या हो सकता है? तो आंसर इज एक्स माइनस टू और टू के बीच में होगा, माइनस टू और टू के बीच में होगा। और क्वेश्चन ये होता मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ऐसा नंबर बताओ जो जिसका मॉडुलस टू के ग्रेटर या इक्वल हो, तो हाँ हमारा आंसर क्या आता? माइनस टू और टू के बीच में नहीं है, तो कहाँ है? टू से ज्यादा है, कोई भी नंबर लेके देखिए, थ्री फोर फाइव मॉडुलस टू से ज्यादा, इससे कम कोई भी नंबर लेके देखिए, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव मॉडुलस टू से ज्यादा। तो हम क्या लिखते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, इंटरवल कैसे लिखते हैं? लोअर लिमिट या अपर लिमिट? एंड टू टू इन्फिनिटी, ये आंसर होता है। वन टू तो लिखे हुए हैं बेटा, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। नंबर पूछिए, पूछना बहुत आसान। नंबर बोल रहे हैं आप, कोई डाउट है? नंबर पूछिए आप, नंबर बोलिए बेटा, क्लियर कर देंगे। सर जो ये हम x greater than या less than लिखते हैं जो भी डिजिट उसके आगे, तो सर उसी का नेगेटिव उसके आगे आता है हमेशा। हाँ बस आपने अपनी ट्रिक बना ली कि जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है उसके आगे एक बार नेगेटिव ले लो तो नेचुरल हो, तो लोअर लिमिट नेगेटिव पॉजिटिव से कम ही होगा, और एक बार पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता मॉडुलस तो। ओके सर, ये नहीं होगा मोड एक्स लेस देन माइनस टू, तो आपने अपनी ट्रिक बनाई। नेचुरल है कि माइनस टू से का मोड क्या होगा? टू ही होगा, और टू का मोड भी टू है, उससे जैसे ही कम जाएंगे या जैसे ही जाएंगे तो उसका मॉडुलस उससे ज्यादा हो जाएगा। और पूछिए बेटा, क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्टींथ क्वेश्चन देखिए, फोर्टींथ नंबर, फोर्टींथ नंबर, फोर्टींथ की बजाय भी एटीन देखिए, एटीन रब कर रहे हैं बेटा इसको, तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एटीन कह रहे हैं, इसको सॉल्व करें, मॉडुलस थ्री एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू हाफ, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना। ग्राफिकली का मतलब नंबर लाइन नहीं लिखा तो टू डी में करना, ये इसको टू डी में दिखाना है, टू डायमेंशनल में। तो मोड के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है ये किसके बीच में लाई करेगी बेटा? रीजन लिख देंगे, बिकॉज मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ये क्या इंप्लाई करता है? एक्स माइनस ए और ए के बीच में, कैपिटल एक्स मतलब अंदर चाहे कुछ भी हो, अंदर चाहे कुछ भी हो कैपिटल एक्स। अब यहाँ इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिएगा सर। अब आपको क्लियरिटी आनी चाहिए, तो बेटा थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या है, उसमें मॉडुलस नहीं था, सिर्फ थ्री एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू हाफ होता था, तो टू को उधर शिफ्ट कर देते थे, फिर थ्री से डिवाइड कर देते थे, उसमें ऐसा करते थे, इसमें इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप सर। फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे ना एक्स की वैल्यू को। यस बेटा, अब ये मिसलेनियस वाला क्वेश्चन बन गया, एक्स केवल इन बिटवीन है ना बेटा, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले टू को शिफ्ट करेंगे बेटा, बताते हैं वो कैसे करेंगे, पहले टू को शिफ्ट करेंगे फिर फर्दर। ओके सर, तो पहले टू को शिफ्ट करेंगे, बहुत इजीली आप देखेंगे एक्स वन बाय टू और फाइव बाय सिक्स के इन बिटवीन आते। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? दो ग्राफ हो गए, तो ग्राफ वन तो क्या हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ग्राफ टू क्या हो गया एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव बाय सिक्स। ग्राफिकली करना है, इसने लिखा है इसके ऊपर वन टू जो है ये क्वेश्चन 22 तक ग्राफिकली करते हैं।
तो बस ग्राफ कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू हाफ तो पैरेलल टू y एक्सिस है, ये तो 0.5 और ये 0.8, तो x इक्वल टू 5/6। हालांकि 5/6 थोड़ा सा नजदीक ही होगा इसके, लेकिन लेकिन क्या कि हमने ग्राफ में डिफरेंशिएट करने को आगे प्लॉट कर दिया। चेक करें 0 0 फॉल्स है, 0 हाफ से ज्यादा है नहीं, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके इस साइड वाला नहीं कर रहा। 0 0 चेक करें, ट्रू है, लेफ्ट ऑफ द लाइन आ गया, ये वाला रीजन कौन सा हुआ, जो सॉल्यूशन पीडीएफ भेजा हुआ है, क्वेश्चन पीडीएफ भेजा हुआ है, तो ये वाला रीजन आ गया। कोई डाउट, हाफ से ज्यादा 5/6 से कम, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, डिपेंडिंग कि कौन बच्चा कितनी मेहनत करना चाह रहा है। सेकंड स्टेप तो हमने ट्राई करने के लिए दे दिया, ये बहुत इजीली। थर्ड, ये फोर्थ, ग्राफ कैसे प्लॉट किया, नंबर पूछे आप, नंबर बोले बेटा आप, देखें मॉडुलस y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मॉडुलस के अंदर जो चीज है, तो y माइनस 1 नॉट इन बिटवीन, इन बिटवीन नहीं है। जो बेटे आपने अपना फॉर्मूला बना लिया था, इसके आगे माइनस लगा लें, बिल्कुल ठीक, माइनस 4 एंड 4, यानी y माइनस 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू माइनस 4, इसके बीच में नहीं है, माइनस 4 और 4 के बीच में नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस 4 से या तो लेस होगा या दोनों नहीं हो सकते, और या तो ये होगा या ये होगा, दोनों तो हो नहीं सकते, अभी इधर भी है उधर भी, तो ये क्या गया, y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 या y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ग्राफ 1, ग्राफ 2, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत इन क्वेश्चंस में, बस ये कैसा ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कैसा ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू माइनस 3 तो यार y इक्वल टू 5। चेक करें 0 0, चेक करेंगे तो एक तो नीचे वाला रीजन आ गया, या तो ये ग्राफ, ये इससे ऊपर वाला रीजन आ गया, चेक कर लेंगे 0 0 बहुत इजीली, तो दो आंसर आ गए, या तो ये वाला या ये वाला। 4 पॉइंट्स बोर्ड पे हैं, आपको नंबर पूछना है। वो y माइनस 11 नहीं था, अच्छा ये 11, सॉरी बेटा ये 11 दिखाई दे रहा है, ये y माइनस 1 मॉडुलस है। ओके सर, पीडीएफ, हाँ बेटा पीडीएफ भेजा हुआ है, तो आप लोग उसको भी चेक करेंगे, है ना, कर लेंगे चेक। 1 2 4 कोई डाउट,
स्टेप्स में आप क्वेश्चन 1 to 64 कर पाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे, बीच में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या ऑड इवन कर लेना 1 to 64। कौन सी असाइनमेंट? पावरफुल असाइनमेंट में से 1 to 64 पावरफुल असाइनमेंट में से। कल इसमें से डाउट लेंगे बेटा। सर ऑड नंबर्स या सारे? ऑड नंबर कर लेना, ऑड नंबर आप लोग कर लेना बेटा, और उसके सॉल्यूशन आपके पास ही हैं। आप जैसे उस आंसर भी वेरीफाई करेंगे, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे बेटा। देखिए मेनली फोकस तो एनसीईआरटी पर, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे भी टाइम मिलता है आपको, जैसे ये करने चाहिए ताकि आपको और थोड़ी सी अच्छी नॉलेज आए बेटा, मेंस की आपकी 50% तैयारी हो जाए इन क्वेश्चन से, उनमें यही मॉडुलस वगैरह यही यूज होंगे, तो ये बेसिक है। अब कई बच्चे बच्चे क्या करते हैं, देखिए सीधा ही कंपटीशन करते हैं मान लीजिए, तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पहले आपको आना चाहिए ये वाला, तो टीचर पहले क्लास में ये करवाता है थोड़ा बहुत, फिर फर्दर करवाता है, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, जैसे कहीं फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, कहीं थोड़ा स्लो चलते हैं, तो डिपेंड करता है। तो ये तो बेसिक से बैठे, कंपटीशन इससे थोड़ा सा और बढ़ के है, लेकिन ये नहीं कि इससे बिल्कुल अलग है, ये तो आपको आना ही चाहिए, वो इससे थोड़ा और फर्दर, जैसे पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी वो 10वीं सीढ़ी है, 10th स्टेप है ये कंसेप्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू। और कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं तो बोलिए आप, तो करेंगे बेटा ट्राई। आप जो है मैथ्स को एंजॉय करेंगे, बर्डन सम लेके ना चलें, कोई डाउट है तो पूछिए। अभी एक ही चैप्टर हमने आप लोगों के साथ कवर किया है, लीनियर इनइक्वालिटीज 6, अब 5th करवाएंगे परसों से, मोस्ट प्रोबेबली परसों से, तो उसमें आपकी टाइमिंग जो है फिर वो रखेंगे 3 बजे। उसमें 3 बच्चे और हैं जेएमएस के बच्चे हैं बेटा, उनके साथ फिर क्लब करेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है बेटा, थैंक यू। और भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप फोन कर लिया करो बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।